अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि सब लोग ठीक होंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को फाइबर का अकाउंट जो है वो हम लोगों ने लॉगिन कर लिया था, ठीक है, एक्टिवेट भी कर लिया था हम लोगों ने गूगल के साथ, अपने जीमेल के साथ। और इसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन तक हम लोग पहुंच चुके थे, ठीक है। मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन की जो बात है बहुत डिटेल में होती है, तो मैं आपको एक अलग वीडियो उसकी बना के तो उसको उसमें समझा दूंगी कि डिस्क्रिप्शन हम किसी भी स्किल के साथ अगर आ रहे हैं तो हम किस तरीके से स्किल के मुताबिक अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे जब अपना एक डिस्क्रिप्शन ऐसी चीज़ है जो कोई भी मतलब कोई भी बायर है, कोई भी हमसे काम करवाने आता है, तो उसको कैसे पता चलता है कि हमारी सर्विस, हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करने आए हैं, हम अपनी जो सर्विस देने आए हैं तो हम किस तरीके की प्रोवाइड करेंगे, हम उसमें क्या क्या हमारा क्वालिटीज़ क्या हैं, हम कितने हद तक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में सारी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में लिखनी होती है, जिसमें हमने सब कुछ। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो हर स्किल, हर जो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करने आते हो कोई भी काम, ठीक है, उसकी आप सबकी अलग होती है, ये नहीं कि सबके मिक्स होती है। हर बहुत यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स हैं, ठीक है, फाइवर के ऊपर, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो यहाँ पे वेबसाइट वगैरह बना के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह बना देते हैं। राइटर जो हैं वो कंटेंट राइटिंग कर लेते हैं, आर्टिकल राइटिंग कर लेते हैं, रिसर्च वर्क कर लेते हैं, और इसके अलावा कोई भी मतलब असाइनमेंट्स वगैरह के काम वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की जो असाइनमेंट्स होती हैं वो हो जाती हैं, मतलब हर एक की फील्ड अलग है, ठीक है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आप कभी भी कोई मैथमेटिक का काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कोई मैथमेटिक के हो तो आप कोई मेडिकल का रिसर्च वर्क नहीं कर सकते, तो रिसर्च वर्क भी वही लोग कर सकते हैं जिनको आती हो, ठीक है। हर कोई यार अगर उठ के नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप करनी भी हो तो आप सीखते हो प्रॉपर, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसी तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही पता है कि किस तरीके से वो एक वेबसाइट बना सकता है, उसकी लैंग्वेजेस किस तरीके से हैं, उसको किस तरीके से प्रॉपरली एक जो जिसने भी अपनी वेबसाइट बनवानी है वो जिस तरीके से भी बताएगा वो किस तरीके से बना के उसको दे सकता है, एप्लीकेशन भी किस तरीके से बना के दे सकता है, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी एक फील्ड होती है, ठीक है। अगर आप लोग और कुछ लोग जिनको कुछ भी नहीं आता, मोस्टली लोग या तो डाटा एंट्री की तरफ आ जाते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बहुत सारे लोग मुश्किल भी समझते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को नेक्स्ट फाइवर की कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग भी एडोब फोटोशॉप के ऊपर लाजमी सिखाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो मैं तो यही कहती हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको राइटिंग आती है, तो मैं उनको यही कहती होती हूँ कि आप चलो उसी की तरफ चले जाओ। इनको कुछ भी नहीं आता तो फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही उनको कहती हूँ कि आप वही कर लो, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में अगर हम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ही अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग उसके मुताबिक, अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर की, हम लोग एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉइंट्स वगैरह अगर आप लोग याद कर लें, मतलब आपके माइंड में आ जाएंगे हाँ यही पॉइंट्स के मुताबिक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अगर हम लिखते हैं, एक बात आप लोगों ने याद रखी है कि आप लोग मुस्लिम हो, आप लोग किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है, आपने अपने रिलीजन का जो अस्सलाम वालेकुम है या आपके रिलीजन का जो भी आपका है वो आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना, ठीक है। जनरल जो हम लोग हेलो बोलते हैं वही हेलो आपने डिस्क्रिप्शन जो पहले आप एक अलग जगह पर टाइप कर लें, अपने वर्ड पर टाइप कर लें, कहीं पर भी आप लोग टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले जो लिखना है लाइन वो है वर्ड हेलो, हेलो का वर्ड लिखना है, ठीक है। कोई भी अस्सलाम वालेकुम या इस तरीके की चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जो भी स्किल के थ्रू आप लोग आए हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हो तो एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर लिख लो कि आई एम एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर और प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, जो भी आप लोगों को अच्छे कीवर्ड या आप लोगों ने लिख दिया कि आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर या एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। उनको एक सबसे पहले उनको बता दिया कि मैं ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। वेबसाइट के हो जो भी हो वो आप लोग फर्स्ट लाइन में लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो लिखना है कि मैं कब से ये मतलब ये स्किल जो मुझ में है, जो मैं काम आपको करके देना चाह रहा हूँ, मैं कब से कर रहा हूँ और मैं किस तरीके का कर सकता हूँ, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। अगर आप बिल्कुल न्यू आए हो तो मेरा तो यही मशवरा है कि पहले सीखो और फिर 1 साल 5-6 महीने, एटलीस्ट 5-6 महीने उस चीज़ पर लगा लो, लगा के फिर आप 1 साल का एक्सपीरियंस लिख सकते हो, ठीक है। आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप उस पर मेंशन करो कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, फिर उसमें बताओ कि मैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर है या जो जिस फील्ड से उसको बेहतर पता होता है कि वो किस तरीके से उसको लिख सकता है, ठीक है। आप लोग उसको मेंशन करो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं मल्टीमीडिया या प्रिंट मीडिया इस तरीके की सारी चीज़ें उन पर मेंशन कर दो, ठीक है। मैं इस तरीके की ग्राफिक डिज़ाइन,
ठीक है। और इसमें मजीद उसके बाद आप लोग अपनी जो जैसे ग्राफिक डिजाइनर आए हो उसमें भी आगे कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। आप ये कैटेगरी थी ना उसकी सब कैटेगरीज आ जाएंगी कि ग्राफिक डिजाइनिंग में जैसे लोगो होता है, लोगो क्या होता है। जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कराऊंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में एक एक चीज के बारे में बता दूंगी, ठीक है। लोगो हो गया, ब्रोशर हो गया, बैनर हो गया, इस तरीके की चीजें आप मेंशन कर सकते हो कि मुझे लोगो बनाना आता है, तो लोगो डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन और ये सारी चीजें। इस तरीके से आप लोगों को बेहतर मैं तरीका बताऊं कि आपको अगर बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखूं, तो आप लोग अपने फाइबर के अकाउंट के ऊपर जाकर भी आप लोग मतलब जो लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो उनकी भी आप अकाउंट्स के ऊपर जाकर उनकी डिस्क्रिप्शन से आइडिया मजीद जो है मैं आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं उसके ऊपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप लोग सर्च कर सकते हैं दूसरों के अकाउंट के ऊपर जाकर, किस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन उनकी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं और किस तरीके से मतलब के क्या क्या पॉइंट्स आप लोग ले। हम लोग आ गए फाइवर के अकाउंट के ऊपर। हमने ये ग्राफिक डिजाइनिंग का सबसे पहले कैटेगरी को ओपन किया। ऊपर बहुत सारी कैटेगरीज हैं आपकी, जो भी हो आप उसको खोल सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन का यहाँ से आइडिया लेना है, ठीक है। यहाँ पे सब कैटेगरीज हैं इसकी ग्राफिक की, ठीक है। हमने लोगों के ऊपर गए तो ठीक है, लोगों के ऊपर जाके यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी गिग्स होंगे। ये क्या होती हैं, मजीद क्या चीजें हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। अभी जो हमारा मकसद है वो है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट हैं, गिग्स हैं, इनमें से कोई सा भी हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये, ठीक है, इसकी गिग सारी मेंशन हो रही है। यहाँ उसका नेम लिखा हुआ है, वो मैंने क्लिक किया तो उसका अकाउंट खुल गया है, ठीक है। ऊपर सब कुछ उसका लिखा हुआ है। नीचे जो हेलो आई एम क्रिएटिव थिंकर, ठीक है, ये सब कुछ उसकी लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है। इसमें बहुत थोड़ी सी लिखी हुई है, तो इसमें से अगर आपको कोई लाइन वगैरह अच्छी लगे तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और अकाउंट हम लोग खोल लें, तो इस तरीके से आप 5-6 अकाउंट खोलें। अकाउंट खोल के वहां से इनकी जो, अगर आपको नहीं लिखनी आ रही है, आपको ये नहीं पता चल रहा किस तरीके से लिखनी, जैसे इसकी देखिए काफी अच्छी इसने डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्राइब किया हुआ सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने पिछली डिटेल में बताया कि आपने अपना सब कुछ किस तरीके से बताना, इस तरीके से कर सकते, तो ये तरीका वो मैंने बताया डेस्कटॉप पे, जिसके थ्रू आप लोग अकाउंट के ऊपर जाकर आप लोग आइडिया ले सकते हो, ठीक है। इनमें से जो आइडिया आपको अच्छी लगे वो आप लोग कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कॉपी कर लो, अपनी एक कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन बना के आप लोग टाइप करके वहां पे अपनी डाल सकते हो अपने स्किल के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, आप लोग सबको देख सकते हो और इस तरीके से आइडियाज ले सकते हो। उनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, 5-6 लोगों को लो, एग्जैक्ट किसी की कॉपी मत करना प्लीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि किस तरीके से डिस्क्रिप्शन को लिखना है, चाहे आपकी कोई भी स्किल हो, ठीक है। और आपको जो भी बात पूछनी हो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि किस तरीके की आप लोगों की वीडियो लगी और आपको कुछ समझ आया है या नहीं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।